Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important theorem which is Maclaurin series or Maclaurin theorem you can say. इसके पहले हमने टेलर थ्योरम स्टडी किया है तो उस थ्योरम को भी देख लेंगे, वो बिल्कुल सेम है इसी के जैसा. तो चलिए डिस्कस करते हैं, पहले थ्योरम देखेंगे फिर इसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो सबसे पहले थ्योरम, तो थ्योरम कुछ इस तरह से है जो लगभग टेलर के थ्योरम से मैच करता है, और यह हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के एक्सपेंशन पर आधारित थ्योरम कर रहे हैं जो कैलकुलस के अंतर्गत आता है. तो लेट एफएक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, जो हमारा फंक्शन है एक्स वो एक्स का फंक्शन है, पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर, यानी हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है जो एक्स का है और वो सभी ऑर्डर के लिए कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव रखता है. किस इंटरवल में? जीरो से लेके एक्स में. याद करिएगा जो इसके पिछला वाला था वो कुछ टेलर वाला जो था वो इंटरवल था ए से लेके ए प्लस एच का, ए से लेके ए प्लस एच, यानी अगर ए को ज़ीरो मान लें और एच को एक्स मान लें तो सेम हो जाएगा. टेलर में हमारा इंटरवल यही था जो इसके लास्ट वाला था. तो बहुत ज़रूरी है कि पिछला वीडियो हम जानें क्या है. तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें और एच की जगह एक्स पुट करें तो बिल्कुल सेम एक्सपेंशन हमें मिलेगा जो वहाँ पर था. तो हम दोनों को कंपेयर करके ही पढ़ेंगे. तो ऑल ऑर्डर इन द इंटरवल दिस एज्यूमिंग दैट एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इनफाइनाइट पावर सीरीज, अगर fx को हम एक्सपेंड कर पाएँ इनफाइनाइट पावर सीरीज़ के, इनफाइनाइट पावर सीरीज़ में किसके पावर में? x के पावर में, x के इनफाइनाइट पावर के रूप में अगर हम fx को एक्सपेंड कर पाएँ तो कुछ इस तरह से लिखेंगे. मैक्लॉरिन के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल f नॉट f ऑफ ज़ीरो लिखेंगे, f ऑफ ज़ीरो x अपॉन वन फैक्टोरियल f डैश ज़ीरो x स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल f डबल डैश ज़ीरो प्लस डॉट डॉट x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ज़ीरो प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा ये. तो इसको ज़रा एक बार मिलाते हैं, जो टेलर का हमारा एक्सपेंशन था ये बिल्कुल वैसा है कि नहीं. तो टेलर वाला हमारा इस इंटरवल में था और टेलर के एक्सपेंशन से हम क्या लिखते थे, f ऑफ a प्लस एस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h, चाहो तो वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ, f डैश a प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश है, और उसी तरीके से ये चलता जा रहा था. तो अगर इस एक्सपेंशन को हम देखें तो अगर हम यहाँ पे ए के जगह ज़ीरो पुट कर लें और एच के जगह एक्स तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच हो जाएगा हमारा एक्स, सो एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल और एफ डैश ज़ीरो एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ज़ीरो डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है. तो इसको हम बोलते हैं एक स्पेशल केस है ये टेलर थ्योरम का या टेलर सीरीज़ का, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. तो टेलर सीरीज़ या टेलर थ्योरम का एक स्पेशल केस हम मान सकते हैं इसको, थ्योरम को. तो इसको भी हम डिराइव उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने उसमें किया था. तो जल्दी से देख लेते हैं इसका डेरिवेशन. तो डेरिवेशन के लिए हम उसी तरह से फंक्शन मानेंगे जैसे वहाँ हमने माना था. सपोज़ हम वहाँ a प्लस एच को करते थे, यहाँ पे f ऑफ x को कर रहे हैं, तो f ऑफ x हमारा किस फॉर्म में होगा, उसी तरह से जैसे वहाँ पे a ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं ए एन एक्स टू द पावर n, इस तरह से ये चलता जाएगा. खैर बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो अब अगर हमें a नॉट, अगर हमें f नॉट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे a ज़ीरो a वन a टू a n इन सब की वैल्यू ला के हमको यहीं पे फिट करना है तो हमें ये सीरीज़ मिल जाएगी. तो सबसे पहले हमें a नॉट की वैल्यू चाहिए. इस फंक्शन को हम मान रहे हैं किस बेसिस पे मान रहे हैं, कि ये हमारा पावर सीरीज़ है x के पावर में, तो x के पावर में ही तो ये सीरीज़ दिख रहा है. x का पावर वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर डॉट 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 एन तक जा रहा है. तो पावर सीरीज़ के रूप में हमने इसको लिख लिया है और इसी से हम यहाँ तक जाएंगे. तो सबसे पहले अगर हमें f नॉट चाहिए तो हमें क्या पुट करना होगा, x की वैल्यू ज़ीरो. अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x नॉट, सिंपल f ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू a नॉट. तो a नॉट की वैल्यू हमें मिल गई f नॉट.
उसी तरीके से अगर हम एक बार इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, ये मिल जाएगा हमें ए वन, और दूसरे वाले में क्या मिलेगा ए टू, और ये टू एक्स, और उसी तरीके से बड़े वाले टर्म्स आएंगे। अब अगर हमें एफ डैश ज़ीरो चाहिए यहाँ के लिए, या इवन ए वन अगर हमें चाहिए, तो एक्स की जगह ज़ीरो रख दें। इस पूरी सीरीज़ में इधर वाले टर्म में अब सारा कुछ वही आने वाला है, थ्री एक्स स्क्वायर, यानी सारे टर्म में एक्स होगा, सिर्फ इस टर्म के साथ एक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे फिर से, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन एबव, क्या मिलेगा, एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू ए वन। सेकेंड पार्ट मिला इसका ए वन। उसी तरह से हम ए टू फाइंड करेंगे, ए टू हमको मिल जाएगा एफ डबल डैश ज़ीरो अपॉन टू, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, आप इसके पिछले वाले सेक्शन में देख सकते हैं वीडियो में, बड़े आसानी से निकल जाएगा। उसी तरह ए थ्री भी निकल जाएगा, और ये सारी वैल्यू हम यहाँ ला कर पुट कर देंगे, और ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम में पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन थ्योरम, तो इसको आप ध्यान से कर लोगे, हर बुक में दिया है अच्छे से। हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो जैसे क्वेश्चन है, एक्सपैंड लॉग वन प्लस एक्स, एक्सपैंड लॉग वन प्लस एक्स बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम या सीरीज, हमें एक्सपेंड करना है लॉग वन प्लस एक्स को बाई मैक्लॉरिन थ्योरम, या यू कैन से मैक्लॉरिन सीरीज। सो इसको हम क्या मान सकते हैं, सबसे पहले गिवन फंक्शन, तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है क्या, लॉग वन प्लस एक्स, जो फंक्शन है हमारा क्या है, लॉग वन प्लस एक्स। और फिर हम लिख लेंगे, वी नो दैट फ्रॉम मैक्लॉरिन सीरीज, या फ्रॉम मैक्लॉरिन सीरीज वी कैन राइट दिस, फ्रॉम मैक्लॉरिन सीरीज, ये तो हम लिख ही सकते हैं, तो हम ऊपर का हिस्सा इरेज कर रहे हैं, और सीरीज की ज़रूरत है इसलिए हम उसको बचाए हुए हैं। तो सीरीज हमारी यही है, फ्रॉम मैक्लॉरिन सीरीज हम ऐसा लिख सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज हम क्या लिख सकते हैं, दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, ये सारा कुछ एफ एफ नॉट एफ ऑफ ज़ीरो बोलेंगे इसको, एफ ऑफ ज़ीरो एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश ज़ीरो, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, एक्स के पावर में तो हमें इसको बताना ही है, हमें यही वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ ज़ीरो चाहिए, एफ डैश ज़ीरो चाहिए, एफ डबल डैश ज़ीरो चाहिए, और लास्ट का हम ऐसे छोड़ देंगे। तो एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ से नहीं मिल जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो अगर हम एक्स को ज़ीरो पुट करें, एक्स को अगर हम यहाँ ज़ीरो पुट कर दें तो क्या होगा, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू लॉग वन प्लस ज़ीरो, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो। उसी तरह से अगर हमें एफ डैश ऑफ ज़ीरो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लॉग वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग एक्स का वन अपॉन इतना, और फिर से एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे तो मिलेगा एफ डैश ज़ीरो वन अपॉन वन प्लस ज़ीरो, एंड दिस इज इक्वल टू वन, क्लियर, वन प्लस ज़ीरो वन। एक बार और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डबल डैश माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से हमें एफ डबल डैश मिल जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस ज़ीरो का स्क्वायर, यानी इस बार माइनस वन। तो इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या मिलेगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये हो जाएगा, तो माइनस एक पहले से है और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस टू आएगा, और अपॉन में हो जाएगा थ्री, यानी वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर थ्री, ये प्लस हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स का पावर थ्री। अब यहाँ पे अगर हम
यहाँ से 2 आता दिख रहा है हमें, 2 आएगा तो ये हो जाएगा, या इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 दोनों ही हैं, और ये ट्रिपल डैश एक्स थर्ड डेरिवेटिव। फिर अगर हमें यहाँ पे 0 लाना है तो क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा दिस इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। अब ये सारी वैल्यू एफ ऑफ 0 एंड देन एफ डैश 0 या एफ डबल डैश 0 और ये वाला, ये सारी वैल्यू ला के यहाँ पर रख देंगे एंड दिस विल गिव द आंसर। तो काफ़ी आसान है, अगर टेलर कर चुके हैं तो इतना एक्सपीरियंस तो होगा, तो तुरंत यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे और दिस विल गिव द फाइनल आंसर। अब इसका एक और अल्टरनेट फॉर्म होता है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो एफ ऑफ एक्स के टर्म में तो ये दिख रहा है, अगर इसको हम अदर टर्म में डिनोट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स हमारा वाई के फॉर्म में है, एफ एक्स को हम अगर हम वाई डिनोट कर लें तो एफ एक्स नॉट को उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स नॉट को उसी तरीके से हम वाई नॉट लिख सकते हैं। एफ एक्स एफ डैश 0, यहाँ पर 0 होगा, एफ डैश 0 को उसी तरीके से हम वाई 1 0 लिखेंगे, एफ डबल डैश 0 को हम उसी तरीके से वाई 2 0 लिखेंगे, एफ एन 0 को हम उसी तरीके से वाई एन 0 लिखेंगे। तो अब इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ लिख देते हैं हम वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, और इस को क्या लिख सकते हैं वाई 1 0। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछता है तो ये एक्सपेंशन भी हमें याद होना चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई 2 फैक्टोरियल वाई 2 और ये 0। तो बस रिस्प्लेसमेंट याद रखिए, ये सारा अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल वाई 3 0 डॉट डॉट एंड सो ऑन, एक्स एन एन फैक्टोरियल वाई एन ऑफ 0 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। तो दिस इज ऑल्सो मैकलॉरिन सीरीज, ठीक है, इन पावर ऑफ एक्स, एक्स के ही पावर में है ये, किसी और पावर में नहीं है, एक्स के ही पावर में है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को आप और अटेम्प्ट करिए, आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन इसमें जो इस फॉर्म में होगा। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ, थैंक यू सो मच।